तो स्टार्ट करते हैं जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर। सबसे पहले नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की सारे जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसको मेनली जो प्लांट्स है वो कैसे एब्जॉर्ब करता है, रूट्स के जरिए ही। हालांकि एटमोसफियर में भी नाइट्रोजन काफ़ी मात्रा में प्रेजेंट होती है, लेकिन वो नाइट्रोजन किसी काम की नहीं होती। तो जो नाइट्रोजन है वो रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब की जाती है, अलग अलग जो बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं तो वो इनको एब्जॉर्ब करवाने में मदद करते हैं। तो जैसे किस फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है, नाइट्राइट की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में। तो NO3 नेगेटिव होता है वो नाइट्राइट होता है, और जो NO2 नेगेटिव वो नाइट्रेट होता है, और अमोनियम आयन होता है जो उसकी फॉर्म में भी जो नाइट्रोजन है वो एब्जॉर्ब की जाती है। रिक्वायर्ड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जो जितने भी प्लांट पार्ट होते हैं उनके अंदर, सबके अंदर जरूरत होती है, लेकिन ज़्यादा जरूरत मेरिस्टमेटिक टिश्यू मतलब जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो लगातार डिवाइड करती रहती हैं, रूट और शूट एपिक्स पे पाई जाती हैं, तो उनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है ये। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल मतलब जो सेल ज़्यादा रिएक्शन करती हैं उनके अंदर ज़्यादा कुछ ना कुछ फॉर्मेशन वगैरह होता रहता है, उनके अंदर भी जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा पाया जाएगा। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए, डीएनए, विटामिन्स और हार्मोन्स है, इनके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट का काम करता है। जैसे प्रोटीन के अंदर हमने अमाइनो एसिड में देखा था अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लिक एसिड में जो नाइट्रोजिनियस बेस होते हैं एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, पायरिन, प्यूरिन और पायरिमिडिन, तो उनके अंदर भी जो नाइट्रोजन है वो एक कंपोनेंट का काम करता है। उसके बाद है फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस को फॉस्फेट आयन्स के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे HPO2 4 नेगेटिव और HPO4 2 नेगेटिव। तो ये फॉस्फेट की अलग अलग फॉर्म होती हैं, तो उनके रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है इसको रूट्स के द्वारा, कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, जैसे हम फॉस्फोलिपिड पढ़ते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और कुछ प्रोटीन है उनके अंदर अमाइनो एसिड होते हैं वो भी फॉस्फोरस को लिए होते हैं, और जो न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट एक ग्रुप होता है जो कि एक बैकबोन का काम करता है शुगर के साथ मिलके, और साथ में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही पाए जाते हैं, जो चेन के अंदर जो एक मोनोमर यूनिट होती है जो चेन से मिलके बने होते हैं, जो डीएनए आरएनए है तो उनके अंदर एक मोनोमर यूनिट होती है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। मोनोमर यूनिट मतलब जो एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करे, जो एक के बाद एक लग के किसी बड़ी चीज़ को बनाते हैं, जैसे ईंटों से दीवार बनती है, तो इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड से डीएनए आरएनए बनते हैं, प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनते हैं, और जो हमने बायोमोलिक्यूल में देखा है ये चीज़। और रिक्वायर्ड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब जिसमें फॉस्फोरस का एडिशन है, रिमूवल है, तो उनके अंदर जैसे एटीपी सिंथेसिस है तो फॉस्फोरस का एडिशन होता है, और उसके बाद जो ब्रेक करता है तो एनर्जी रिलीज करता है, तो फॉस्फोरस वहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट के रूप में काम करता है। उसके बाद पोटेशियम, तो पोटेशियम को के पॉजिटिव आयन्स के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है, रिक्वायर्ड इन मोर अबंडेंट क्वांटिटीज इन, और इसकी भी ज़्यादा जरूरत मेरिस्टमेटिक टिश्यू में जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उनके अंदर जरूरत होती है, बड्स जो मुकुलन होते हैं जहाँ से जो ब्रांच वगैरह है या फिर जो फ्लावर वगैरह है वो निकलता है, पत्तों में भी पाया जाता है, और रूट टिप्स वही है मेरिस्टमेटिक रीजन होता है, रूट टिप्स भी जो कि मिट्टी के अंदर जो रूट्स हैं उनकी ग्रोथ करवाने में मदद करता है। एनायन कटायन का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है सेल के अंदर, आयन बैलेंस में भी ये मदद करता है। इन प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन को बनाने में मदद करेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी तो उसी बेस पे वाटर कंटेंट है उसको रेगुलेट किया जाता है, और वाटर कंटेंट के बेस पे ही टर्जिडिटी ऑफ सेल, जो सेल्स की जो उनके अंदर जो मजबूती है वो वाटर ही प्ले करता है, यदि वाटर वहाँ से निकल जाता है तो सेल हैं जो वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनके अंदर वाटर अच्छा ढंग से उसके अंदर प्रेजेंट है तो वो टर्जिड रहती हैं, वो कठोर रहती हैं, और इसके साथ में कुछ एंजाइम्स हैं उनकी भी एक्टिवेशन करता है, उनको ये काम करने में मदद करता है, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा के रखता है। उसके बाद है कैल्शियम, कैल्शियम को कैल्शियम डाई पॉजिटिव आयन के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है Ca2+ के रूप में, और रिक्वायर्ड बाय मेरिस्टमेटिक, ये भी ज़्यादातर डिवाइडिंग सेल्स के द्वारा ही, और साथ में डिफरेंशिएटिंग टिश्यू का मतलब है जो परमानेंट टिश्यू होते हैं जो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी है उसको तो लूज कर जाते हैं, तो अपने अपने काम के अंदर जो भी उनको स्पेशल काम करना होता है, जैसे मेसोफिल सेल है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट वगैरह है, या फिर अलग अलग जो स्ट्रक्चर बनती हैं अलग अलग सेल में, तो उसमें कैल्शियम ही रोल प्ले करता है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो हमने माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है, तो उनके अंदर जो सेल वाल बनती है माइटोसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होता है जिसमें, तो प्लांट्स के अंदर सेल वाल बनती है सेल प्लेट के द्वारा, और साथ में मिडल लैमेला बनता है जो दो सेल्स के बीच में एक स्ट्रक्चर का, एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करता है, तो उसको भी कैल्शियम ही बनाता है।
नीडेड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। जो माइटोटिक स्पिंडल क्या करते हैं, जो क्रोमोसोम वगैरह है उनकी मूवमेंट करवाते हैं। माइटोसिस में मैंने देखा था स्पिंडल फाइबर बनते हैं, तो उसको भी कैल्शियम बनाएगा, तो लाइक स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है। साथ में जो ओल्डर लीव्स हैं उनके अंदर ये इकट्ठा होता रहता है। इन्वॉल्व इन फंक्शनिंग नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके जो नॉर्मल काम है उसको, मतलब कि पार्टिकल्स को मूव करवाना है सेल के अंदर, किसको बाहर रखना है, तो उसका काम भी कैल्शियम ही देखता है। एक्टिवेट सर्टेन इंजाइम्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये भी इंजाइम्स को रेगुलेट करता है, और साथ में कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं तो उनमें भी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब जो रिएक्शंस होती हैं उनमें भी ये अपना रोल है वो प्ले करता है। उसके बाद है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन, जो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उन्हीं की फॉर्म में इनको एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे मैग्नीशियम में टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो उसी फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब किया जाता है डिजोल्वेबल फॉर्म में। वाटर के अंदर डिजोल्व होता है, अलग अलग किसी भी कंपाउंड के साथ हो सकता है रिएक्शन किए वो मिले, तो उसकी वजह से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। एक्टिवेट्स इंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, तो ये भी अलग अलग जो इंजाइम रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस में काम करते हैं उनको एक्टिवेट करता है, उनके काम को शुरू करवाता है। इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए की जो सिंथेसिस है और उसमें उनकी जो स्टेबिलिटी है उसको बनाए रखने का काम भी, जैसे डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने का काम हिस्टोन प्रोटीन भी करते हैं और साथ में मैग्नीशियम भी करता है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसके द्वारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, तो उसमें बहुत बार ये बड़े बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि वह क्लोरोफिल के अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम भी होता है, और एक आगे हम आयरन देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो भी पाया जाता है। हेल्प्स टू मेंटेन राइबोसोम स्ट्रक्चर, जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक लार्ज सब यूनिट एक स्मॉल सब यूनिट होती है, तो उन स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम भी राइबोसोम का मैग्नीशियम का होता है। उसके बाद है सल्फर। सल्फर को सल्फेट आयन की फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है SO4 2 नेगेटिव, और ये 2 अमाइनो एसिड में पाया जाता है सल्फर, तो सिस्टीन और मिथियोनिन इनके अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और मेन कंस्टिट्यूएंट मतलब कहाँ पे ज़्यादा पाया जाएगा, कुछ सेवरल कोएंजाइम का काम करता है, जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स में देखा है एंजाइम के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसमें कोएंजाइम का काम करता है, जिसमें हमने अलग अलग जो मेटल्स वगैरह हैं वो देखी थी और कुछ ग्रुप देखे थे। तो विटामिन्स के अंदर भी पाया जाता है, जैसे थायमिन है, बायोटिन है, कोएंजाइम ए, अलग अलग विटामिन्स होती हैं, और फेरोडोक्सिन भी एक सब्सटेंस होता है जो आयरन का बना होता है, उसके अंदर भी ये पाया जाता है।